मोदी सरकार ने एक बार फिर दिखा दिया कि उनकी सरकार वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार वाली सोच के साथ चलता है। जी हां, इस बात पर मुहर तब लगी जब फिजी में आए चक्रवात के बाद भारत ने फिजी को तत्काल मदद दी, वो भी कुल 6 टन से अधिक राहत सामग्री भेजकर। इतना ही नहीं, भारत फिजी में जल्द ही दूसरी खेप भी भेजने की तैयारी में है। इससे दोनों देशों के बीच करीबी संबंधों के बारे में भी पता चलता है। शायद यही वजह है कि सरहद पर दुश्मन की चुनौती हो, सूरवीरों के शौर्य का सम्मान हो या फिर महामारी के खिलाफ महाजंग हो, पीएम मोदी हर चुनौती से निपटना बखूबी जानते हैं। तभी तो आज वो दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि चक्रवात प्रभावित लोगों के लिए भारत से राहत सामग्री की पहली खेप फिजी पहुंच गई है और 6 जनवरी तक एक और खेप पहुंचने वाली है। चक्रवात यासा के मद्देनजर प्रथम प्रतिक्रिया देने वाले देश के रूप में मित्र देशों को मानवीय सहायता और आपदा राहत सहायता सहयोग प्रदान करने की प्रतिबद्धता के तौर पर भारत ने राहत सामग्री भेजी है। इतना ही नहीं, चीन से फैली कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारतीय एनडीआरएफ ने चंद घंटों में ही 6 टन से अधिक राहत सामग्री एकत्र की और एयर इंडिया और फिजी एयरवेज के जरिए फिजी पहुंचाया। अगर भारत सरकार द्वारा भेजी गई राहत सामग्री की बात की जाए तो इसमें शेल्टर और हाइजीन किट भी शामिल है ताकि चक्रवात प्रभावित समुदायों को तत्काल सहायता मिल सके। मंत्रालय ने आगे ये भी कहा, भारत 2016 में साइक्लोन विस्टन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण संकट और तबाही के समय फिजी के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। चक्रवात यासा के मद्देनजर अब जो राहत सामग्री भेजी गई है वो पहली प्रतिक्रिया के रूप में मित्रवत विदेशी देशों को मानवीय सहायता और आपदा राहत सहायता प्रदान करने की भारत की प्रतिबद्धता को दिखाती है। बता दें, 17 और 18 दिसंबर को फिजी में भयंकर चक्रवात यासा आया था जिससे यहां पर काफी नुकसान हुआ, जिसके बाद भारत ने फिजी को तत्काल मदद पहुंचाने का फैसला किया। और ये दुनिया को पता है कि जब नरेंद्र मोदी सरकार कोई फैसला लेती है तो वो कभी वापस नहीं होता, और इसकी वानगी कई बार मोदी सरकार ने दिखाई है। ये पहली बार नहीं है जब भारत ने एक कदम आगे बढ़ते हुए किसी देश को ऐसी सहायता पहुंचाई है। इससे पहले भारत ने कोरोना काल में कई देशों को मदद पहुंचाई है, और अगर हाल ही की बात करें तो भारत ने नेपाल को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए 28 वेंटिलेटर दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।